जो मैं हूं आपका दोस्त सचिन भाटी और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ये नया ब्लॉग और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कसौल। सो कसौल इज ऑल्सो नोन शेट, बस भी पीछे जा रही है भाई, बस भी पीछे जा रही है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब आप सभी को। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भाटी और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ये नया ब्लॉग और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कसौल तोश खेर गंगा ट्रैक। और अभी मेरे साथ हैं सोनू भैया जिनके पेट पे पसीना आ गया है, पता नहीं कैसे क्या किया इन्होंने ऐसा। और अब है और एक दोस्त हमारा पीछे वेट कर रहा है, तो हम चार दोस्त हैं जो यहाँ पे आए हैं। तो चलते हैं, कसौल की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने लाएंगे। तो फाइनली अभी हम आए हैं तोश में और तोश में हमने ये होटल बुक करा है, पिंक फ्लॉयड नाम है इसका। और एक रूम का जो प्राइस है वो 1500 है, डिसेंट रूम है, काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा ऊपर था और व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से, तो हमने ये वाला रूम बुक किया है। अगर आप कसौल आ रहे हैं तो ATM से पैसे पहले निकाल लें क्योंकि यहाँ पर ATM नहीं मिलती। ये देख लो बेचारा परेशान है ATM की वजह से, ये भी परेशान है, भैया भी परेशान है। अपुन अपने साथ कैश लेके आया है तो उस थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और इसके बाद मैं डालूंगा टाइम लैप्स तगड़ा उस वाले व्यू का। सो फाइनली अभी हम निकले अपने होटल से और हम जा रहे हैं कुटला। और यहाँ पे देखो कैसे कितनी सारी बॉटल्स पड़ी हैं ना। और यहाँ से 1.5 घंटे का ट्रैक है कुटला के लिए, सामने झरना भी है, डैम भी है, सारी चीजें और थोड़े कांटे भी हैं, तो देख के भी चलना चाहिए हमें। और हाँ, ATM से पैसे निकलवाने के अलावा दो चीज़ और मस्त है, एक है सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन नहीं लाओगे तो पूरे टैन हो जाओगे और फिर पछताओगे घर जाके। और दूसरी चीज़ है ट्रैकिंग शूज। सरक गया ना तो मर जाएगा, सरक गया तो मर जाएगा। देखा, ये है हमारे ट्रैकिंग गुरु, सिर्फ एक चीज़ बताते हैं कि सरक गया तो मर जाएगा, इधर हो गया तो मर जाएगा, पीछे हो गया तो मर जाएगा, जिंदा रहने वाला कोई रास्ता नहीं इनके पास, सिर्फ मरने वाले रास्ते बता सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खीर गंगा पे जाने से पहले यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर कर लो। अच्छा, ओए होए होए होए, व्हाट एन अमेजिंग व्यू, व्हाट एन अमेजिंग व्यू। और यहाँ का जो रास्ता है ट्रैकिंग का वो बहुत ही ज्यादा स्टीप है, लेकिन सेफ है क्योंकि यहाँ पे गाँव वालों ने ये चीजें लगाई हुई है यहाँ पे। तो बिल्कुल भी टायरिंग नहीं है ये जो चढ़ाई है, मज़ा आएगा आप लोगों को। अगर तोश आए तो एक दिन कुटला को भी। वैसे हम लोग जो है वो होटल में ठहरे हैं लेकिन यहाँ पे कैंप्स भी हैं बहुत सारे, जैसे एक साइड कैंप की है, एक वहाँ पे है, एक उधर है सामने, बहुत सारे कैंप है। लेकिन हम लोग जो है वो होटल ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कम्फर्टेबल है। मज़ा कैंप का भी अपना अलग ही है जब अच्छा मौसम हो, बॉनफायर चल रहा है। एंड पीपल हेयर आर रियली हार्ड वर्किंग, लाइक इन्हें सब चीज़ें अपने कंधे पे ही संभाल के ले जानी होती है, चाहे पत्थर हो, ईंट हो, टीन हो या फिर सरिया हो, कुछ भी हो। सो अब हम सारे भाई यहाँ पे आगे रुक गए हैं, एक बीच में एक कैफ़े है, छोटा सा कैफ़े है जिसका नाम है वाटरफॉल कैफ़े। और यहाँ पे इन्हें खानी है मैगी, इन्हें भी खानी है मैगी, आपको क्या खाना है, इन्हें हमारा दिमाग खाना है। जो हिमाचल या फिर पहाड़ों का जो मेन फूड रहता है हर एक टूरिस्ट के लिए वो है मैगी, और मैगी हमारे बीच में आ गई है। और दो बाउल आए हैं अभी और ये 2 मिनट में ख़त्म होने वाला है क्योंकि देख लो जो इनकी स्पीड है ना खाने की, वो छोड़ेंगे नहीं, मुझे लग रहा है ये भी खा लेंगे। अरे भाई, अभी 60 मिनट की ट्रैकिंग और दम क्यों तोड़। ये देखो अब सब इधर जा रहे हैं, ये फिर से वहां से जाएगा, जा जल्दी जल्दी जल्दी, ये कोर्स का कमाल है, सब कोर्स का कमाल है। यहाँ पे मैंने गूगल और ढूंढ लिया, गूगल
गूगल देखो, ये बड़ी आसानी से चढ़ रहे हैं। हमने इसका नाम रखा है गूगल और उसका नाम हमने रखा है याहू, तो गूगल और याहू हमारे साथ चलेंगे हमें छोड़ के। सो इट सीम्स लाइक ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड बेस कैंप जो वाटरफॉल था उसमें से हम चार थे पहले, दो ने वहाँ पे सरेंडर कर दिया है, वो नीचे जा रहे हैं वाटरफॉल के पास, बाकी हम दो नहीं है, हैं हम चार, क्योंकि एक गूगल और एक याहू भी हमारे साथ है। दिस इज जस्ट अमेजिंग। हम थक तो बहुत गए हैं, लेकिन अभी हमने एक यहीं के लोकल बंदे से पूछा तो वो कह रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे पहुंचने में। बाकी हालत इसकी ख़राब है, मेरी भी थोड़ी ख़राब है। सो फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे, यह है कुटला। तो ये ऑलमोस्ट नॉकआउट हो चुका है, मैं इसे रिवाइव दे रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, get up। सो जो हमारे वो दो टीम मेट है ना, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने ये ट्रैक छोड़ा वहाँ से सिर्फ हमको 10 मिनट लगे हैं ऊपर पहुँचने में, और यहाँ आके जो हमने व्यू देखा है, ये होटल लेना चाहिए था ये वाला। आपको रूम मिलेगा, टेंट मिलेगा, फूड मिलेगा, और इन सब चीज़ों के साथ आपको शांति भी मिलेगी। नहीं, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, शांति मीन्स पीस, और ये सारी चीज़ पॉसिबल है। बहुत चिल्ड पानी है, बहुत ज़्यादा चिल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। तो चलते हैं अभी नीचे की तरफ, याहू को बाय बाय बोल देते हैं। याहू 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 बिजी है, चलो चलते हैं। चलो, सिर्फ एक घंटे का रास्ता है और बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। सो बहने एक नई टेक्निक बताई है उतरने के लिए। अब है कौन सी टेक्निक है वो बता जल्दी। सॉकर क्या कर, घुटनों का यूज सॉकर की तरह कर, ऐसे चलना है। सी जिसे सही लगे ट्राई कर लेना, बाकी अपने हिसाब से चलना। 3-4 बार ये स्लिप भी हो चुका है यही टेक्निक यूज करके। यहीं पे बैठे हुए हैं अभी तक दीपक। सी ये सिग्नल होते हैं हमारे, गूगल और याहू ने हमारा साथ दिया है, लेकिन भैया बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि भैया ऊपर नहीं गए। फाइनली 5-7 मिनट में हम अपने होटल में पहुंच जाएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि थक गए हैं। तो जस्ट अभी फ्री हुए तो अभी सिर्फ हम पे कैंडल लाइट का सहारा है, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, तोश विलेज में लाइट नहीं है अभी, तो हम अभी सोएंगे, फिर उसके बाद हम सुबह जाएंगे खीर गंगा। तो आपको दिखाते हैं खीर गंगा में कैसा वेदर रहता है, अगर वेदर अच्छा रहा तो हम सुबह ही निकल जाएंगे 6 बजे। अभी हम कर रहे हैं कैंडल लाइट डिनर, सो अभी के लिए गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम थोड़े टायर्ड लग रहे होंगे शक्ल से, क्योंकि हम कल रात जल्दी सो गए थे और पूरे रज के सोए हैं हम, हमें ऑलमोस्ट 8-9 घंटे हो गए हैं सोते सोते। और अभी हमारा प्लान था आज जाने का खीर गंगा, लेकिन बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत बुरी वाली, तो खीर गंगा बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्लिपरी है और बहुत ज़्यादा स्टीप है। मैं पिछले साल गया था इन 2017, तो वहाँ पे जो ट्रैक की जो जगह है वो बहुत स्टीप है, और अगर वहाँ पे बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रैक करना, ऊपर से रिस्की भी है, और इसके पाँव में चोट भी लग गई है, इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो अभी हमने प्लान किया है कि हम कसौल जाएंगे, तो अभी हम थोड़ा तोश घूमेंगे नीचे ब्रेकफास्ट करने के बाद, फिर उसके बाद हम जाएंगे कसौल, और फिर मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अभी होटल की बुकिंग चली रही है हमारी कसौल की। सो अभी हम ब्रेकफास्ट करके अपने होटल से निकले हैं थोड़ा तोश विलेज घूमने के लिए, और यहाँ पे कुछ ऐसा रास्ता है, ऊपर तक गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वगैरह आ नहीं सकती हैं, और हमारा जो एक टीम मेंबर है वो देखो कैसे छोटे छोटे रास्तों पे भी वीडियो कॉल में बिजी है सुबह से। वैसे यहाँ पे लाइट नहीं है, थोड़ा बहुत फ़ोन चार्ज हो जाता है वो भैया वीडियो कॉल में वेस्ट कर देते हैं, क्या करें, फ़ैन इतने हैं भैया के। और ये भाई इंजर्ड है, सी पैर दिखा दे भाई अपना, सी ये इंजर्ड है। खीर गंगा जाने की हालत में तो नहीं है, बट स्टिल थोड़ा तोश घूम लेते हैं हम, खीर गंगा कभी नेक्स्ट टाइम करें। Like you, be strong to hold the power.
rays of the sun. To dream, believe in strength now. और यहाँ तोश में ब्यूटीफुल वेदर के साथ साथ ये छोटे छोटे ब्यूटीफुल कैफे भी हैं यहाँ पे. ऐसे हर थोड़ी सी देर बाद कैफे, जैसे ये है मामा मियाँ कैफे. उनके नेम बहुत अच्छे हैं, मामा मियाँ कैफे, हिल टॉप कैफे, हिप हॉप कैफे, पिंक फ्लॉयड. तब नाम बहुत अच्छे हैं और खाना भी अच्छा है, टेस्टी खाना है. तो ये था तोश, जहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और यहाँ की लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी लोग खुशी खुशी रहते हैं यहाँ पे, हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढते हैं. अभी के लिए हम जा रहे हैं कसौल. कसौल में मैं आपको जाके दिखाता हूँ, थोड़ी सिटी टाइप है वो. पहले वो भी गाँव ही था इसकी तरह ही, तोश की तरह. अब थोड़ी सिटी बन गई है पिछले 4-5 सालों में. तो अभी चलते हैं हम कसौल. तो अभी हम हैं यहाँ पे तोश के टैक्सी स्टैंड पे. सी यहाँ पे सारी टैक्सी खड़ी है. अब ये छोटी वाली जो टैक्सी का प्राइस है वो थोड़ा कम रहता है, 500 से 700, लेकिन जो बड़ी टैक्सी होती है, क्योंकि हम 4 लोग हैं और लगेज भी हो जाता है, तो हमें ये साइज टैक्सी लेनी पड़ेगी. इसका 1000 to 1500 वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन डिमांड. सो वी हैव फाइनली रीच कसौल. और कसौल में हमने एक ये जगह ढूंढी है, यहाँ पे जंगल के बिल्कुल बीच में है. ये पूरे यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश हो रही है 3-4 दिन से. डैट्स वाई हम खीर गंगा नहीं जा पाए, बारिश की वजह से, और क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी थी उस चीज़ की वजह से. तो ये दो रीज़न थे खीर गंगा ना जाने के. बट स्टिल 2 दिन थे हमारे पास. तो तोश, कुटला और कसौल, ये 3 चीज़ हमने कवर की हैं. तो अभी हमने अपना लंच कर लिया है यहाँ पे कैफे में, कैफे चाइना टाउन. और देखो बाल भी पूरे गीले हो गए हैं एकदम बारिश की वजह से. अभी थोड़ी बारिश कम हुई है इसलिए हम बाहर निकले. ये है मार्केट सामने, आओ मैं दिखाता हूँ. सो ये है कसौल की मेन मार्केट. यहाँ पे यू कैन गेट एवरीथिंग, बैग, छोटे बैग, चप्पल, ये नहीं नहीं ये नहीं, फ्लैग्स एंड दीज ऑल स्टफ्स यू कैन गेट हेयर इन कसौल. तो आप ये जो सामने देख रहे हैं ये यहाँ पे कसौल का पार्क. हो सकता है पानी की आवाज़ से मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, लेकिन मैं चिल्ला रहा हूँ. कैफे बहुत सारे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे अच्छे कैफे हैं. और ये कैफे के जो सामने ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे. सो कसौल इज ऑल्सो नोन एज मिनी इसराइल ऑफ इंडिया. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसराइली पीपल बहुत हैं, इसराइली कैफेज बहुत हैं. आई मीन हर कैफे में आपको इसराइली कुजीन तो ज़रूर मिलेगी. तो यहाँ पे इसराइली कल्चर भी बहुत ज़्यादा है. तो जब उन्हें छुट्टियाँ मिलती हैं वहाँ पे अपने 5-6 महीनों की, वो सीधे इंडिया में आते हैं कसौल में. So right now it's 8:14 and we are going towards our boarding point. You must be wondering कि मैंने टॉर्च क्यों जलाई हुई है. ये इसलिए जलाई हुई है क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत है. और ये रही सामने हमारी बस. So we are now leaving to Delhi. और भैया की हालत देख लो कैसी हो रही है, इसकी भी सोई सोई हो रही है. तब सोते हुए जाएंगे, सुबह 7 बजे हमारी बस हमें छोड़ देगी, अभी सोते हुए. सो अभी हमारी बस और एक दूसरी बस है वो साइड से बिल्कुल कोलाइड हो चुकी है यहाँ से. सी पूरा ये हमारी बस है और ये साइड वाली बस है. यहाँ पे आगे 2 ग्लास ऑलरेडी टूट चुके हैं. आई डोंट नो ये कैसे निकलेंगे यहाँ से. लेट्स सी एंड सी. बस के सारे ग्लास यहाँ पे टूट चुके हैं, ये वाला भी, आगे वाला भी, सारे ग्लास टूट गए हैं, लेकिन फिर भी अभी ये वाली बस निकली नहीं है. अभी ये सारे ग्लास टूटेंगे तभी जाके ये बस निकलेगी. यहाँ से ऊपर दीपक ने ये पकड़ी हुई है और यहाँ से इसने वहाँ से पकड़ी हुई है बहने, ताकि हमारे ये कांच जो है हमारी आंखों में ना लगे. राइट नाउ इट्स 9:41. ये लेट्स सी कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलने में. शेट शेट शेट, बस भी पीछे जा रही है भाई, बस भी पीछे जा रही है, बस भी पीछे जा रही है हमारी. देख बोल चुपकेगी ना. यहाँ पे पूरा सीन हो चुका है, ये कांच भी गया, वो भी कांच गया, बस वो 2 कांच बचे हैं. तो फाइनली टूटे हुए कांच के साथ बस अभी आगे चल रही है. होपफुली आगे जाके कोई नेक्स्ट बस आएगी या फिर ऐसे ही जाएगी बस. तुझे क्या लगता है?
यूपी 16 ऐसे ही जाएगी। बस का नंबर यूपी 16 है, ऐसा लगता है कि यूपी 16 वाली बस सारी ऐसे ही जाएंगी। फाइनली बस चल चुकी है, सारे जितने भी कांच टूटे हुए थे वो सारे झाड़ दिए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जो बस का टाइम था हमें पहुंचाने का वो सुबह 7 बजे तक था, अभी हो रहे हैं 10:54 और मुझे लगता है अभी 4-5 घंटे और रहेंगे आराम से। आराम से हमारी शक्ल भी अजीब सी हो गई है, देखो बाल वाल बिखर गए हैं पूरे। और यहाँ पे देसी जुगाड़ लगाया है अभी, और आज 5 बजे की फ्लाइट भी है मेरी हैदराबाद की, आई होप मैं मिस ना करूँ उसे। सो फाइनली अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं मजनू का टीला, बस हमें अभी छोड़ के गई है, इसी यहीं पे खड़े हुए हैं सब। और अभी टाइम हो रहा है 1:42, हमें यहाँ पे आना था सुबह 7 बजे, फिर मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि सुबह 7 बजे यहाँ पे आने के बाद फिर घर जाऊँगा, फिर 1-2 बजे वहाँ से निकलूँगा, फिर 5 बजे की यहाँ से फ्लाइट। लेकिन अभी मुझे लगता है मेरे को यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, वहीं पे थोड़ा फ्रेश अप हो गए फिर फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, बाकी लेट्स सी क्या होता है। सो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ सीधे एयरपोर्ट। एक्चुअली पहले मेरे को घर जाना था लेकिन बस क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होगी इस वजह से डायरेक्ट कश्मीरी गेट से आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट। सो अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे, और मेरी कसौल ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रही। आप लोग भी कसौल जाइएगा और बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ क्या लगी वहाँ पे। तो फाइनली अभी मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। गुड बाय, टेक केयर, मस्त रहें, व्यस्त रहें, क्योंकि व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है।